सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखों के लिए फेमस नैनीताल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम नैनीताल कैसे आए, कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं, कहां से ट्रेन पकड़े, कहां से नहीं, और उसके बाद में बताने वाले हूँ आप यहाँ स्टे कैसे कर सकते हैं, कैसे होटल मिल सकते हैं, किस रेंज के होटल है, और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ये कितने का है, और यहाँ पर धर्मशाला वगैरह है रुकने के लिए। अगर आप सोलो आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, वो भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छे रेंज में मिल जाता है। उस सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी, तो शुरू करते हैं। अगर आप नैनीताल एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट आपको पंतनगर का पड़ेगा। यहाँ से नैनीताल की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बस सारी उपलब्ध मिल जाएंगी। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी 200 से 250 पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो 2000 से 2500 पड़ जाएगा, जिसमें आप आराम से 3 से 4 लोग आ सकते हैं। मेरे हिसाब से नैनीताल आने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेन से है, जो कि आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ उपलब्ध हो जाएगी। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक पड़ता है, और अभी हमारी ट्रेन यहाँ लग चुकी है, रानीखेत एक्सप्रेस, जो अपने टाइम पे 10:05 पर चलने वाली है। सो अभी ये 10:05 चलेगी और वहाँ पहुँचेगी, और ये 4:15 पर हल्द्वानी पहुँच चुकी है। अभी मैं हल्द्वानी में खड़ा हूँ, मैं यहीं पर उतर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा अभी नैनीताल के लिए, जो इसका टिकट 80 रुपये होगा, जो कि 5 बजे होगा। अभी बजा है 4:15, बाकी ये 4:25 पर चलेगी और 5 बजे तक ये काठगोदाम पहुँच जाएगी। पर काठगोदाम से बस जो है वो थोड़ा लेट चलती है, थोड़ा टाइम लगाती है, यहाँ से आधे आधे घंटे में बस है। काठगोदाम से आप चाहे तो वहाँ से भी जा सकते हैं, 150 रुपये शेयरिंग टैक्सी का लगेगा, आप वहाँ से कर लें या फिर यहाँ उतर जाएँ। मैं तो यहाँ से उतर के बस पकड़ने वाला हूँ, जो कि 5 बजे शुरू होने वाली है, 7:15 पर उतर गया हूँ। जब तक आप यहाँ वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये अपने टाइम पे चल पड़ी है 4:25 पे काठगोदाम की तरफ, और अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये रहा वेटिंग एरिया, इसमें बाथरूम वगैरह सब है, आप इसमें आराम से बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, कुछ खाना पीना है तो आगे कैंटीन वगैरह सब है यहाँ पे, जो पूरी रात खुला होता है। सो हम आधा घंटा वेट करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे बस के लिए। सो इस समय मैं हल्द्वानी बस स्टॉप पे आ चुका हूँ, जो कि आपके रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और आपको नैनीताल के लिए बस यहाँ से मिलेगी। ये बोर्ड आप याद रखें, यहाँ इस तरफ आपकी नैनीताल की बस लगी होती है, खड़ी जिसका टिकट सिर्फ 80 रुपये होता है, और ये 4:30 बजे चलना शुरू हो जाती है। सो अभी मैं आया हूँ और फटाफट देखता हूँ, बस पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी करीब 42 किलोमीटर है, जो कि बस आपको 1 से 1.5 घंटे में आराम से पहुँचा देती है। सो फाइनली हम नैनीताल पहुँच चुके हैं, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, बस ने अभी हमें उतारा है वहाँ से 5:30 बजे हमारी बस, 5:30 बजे से पहले 5:24 का करीब बस हमारी चल गई थी, और यहाँ पे 6:30 बजे राइट टाइम में पहुँचा दिया है। अभी हम माल रोड पे चल रहे हैं और यहाँ से अच्छा होटल ढूंढते हैं और आपको बताते हैं बाकी होटल की डिटेल वगैरह। होटल जाके अभी कुछ होटल में पता करूँगा, यहाँ चेक इन करता हूँ। वैसे 6:30 बज रहा है अभी, काफ़ी सुबह हो रही, चेक इन टाइम 10 बजे का होता है होटलों का। और यहाँ रुकने के लिए धर्मशाला वगैरह भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सोलो आए हो, बट अभी मैं आपको धर्मशाला की भी सारी डिटेल दूंगा आज, और होटल की भी। सो फटाफट मैं अपना होटल ढूंढता हूँ और उसमें जाके आपको बाकी डिटेल देता हूँ। सो हम रुके थे होटल संतेज प्लाजा में, जो कि माल रोड से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही था, और काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ हर तरह के रूम अवेलेबल है, चाहे आप कपल में आते हो, सोलो आते हो,
या फिर आप ग्रुप में आते हो या फिर आप बहुत बड़े ग्रुप में आते हो, यहाँ हर तरीके का रूम आपको अवेलेबल मिलेगा। और इस होटल में रूम बुक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिया है। सो गाइस, अभी हम होटल में चेक इन कर चुके हैं और इस होटल का रेंज हमें पड़ा 1000 रुपये पर डे का। सो दो लोगों के लिए भी आप आए तो अच्छा है, 2000 रुपये पर डे आपको पड़ेगा। और मैं यहाँ आके डायरेक्ट, मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ आके बार्गिंग करके और लिया ये होटल। ये 1200 का दे रहे थे और मैंने बार्गिंग करके 1000 में लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है दो लोगों के लिए। और यहाँ का वॉशरूम ये रहा, आपको और भी कई ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। आके मिरर वगैरह लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, आपको साथ में केबल मिल जाता है और फ्री वाईफाई भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी काफ़ी अच्छा होटल है ये, लोकेशन भी अच्छी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन डाल दूंगा आपको और होटल का नंबर भी। आपको बुक करना हो तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। बात रही अगर आपको धर्मशाला वगैरह अगर बुक करना है तो उसकी भी डिटेल आपको दे देते हैं। अभी ले चलते हैं आपको धर्मशाला की ओर। ये है नैनीताल का धर्मशाला जो कि तल्लीताल बस स्टॉप के बिल्कुल पास है, जिसके वजह से यहाँ आने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ आपको पार्किंग भी अवेलेबल मिल जाएगी आराम से। अपनी आप प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो यहाँ आप पार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे रूम आपको 150 से शुरू है और लास्ट 390 पे ख़त्म होता है। तो आप जो भी चाहे रूम बुक कर सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के रूम अवेलेबल मिलेंगे। ये सरकारी जगह है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आपको रूम लेने के लिए खुद यहाँ पे आके फिर बुकिंग करना होगा। और यहाँ पे रूम आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, यहाँ का ये रूल है। सो अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको 3 दिन से ज़्यादा रूम नहीं मिल सकता है। तो आप यहाँ पे 3 दिन की प्लानिंग करके आराम से आके स्टे कर सकते हैं। और नैनीताल से काठगोदाम वापस जाने के लिए भी आपको तल्लीताल बस स्टॉप से बस मिल जाएगी, जो कि लास्ट बस 5 बजे चलती है। अगर आपकी 5 बजे वाली बस छूट जाए तो आप 6:30 बजे तक शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका किराया 150 से 100 रुपये और 200 रुपये तक हो सकता है। सो इस वीडियो में हमने यहाँ आने और रहने की बात की है, कैसे रह सकते हैं आप यहाँ, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ आके आप फर्स्ट डे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं और आपका फर्स्ट डे का बजट कितना होगा। सो ये देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।